तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? अरसलान भाई से कहो अगर तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं तो तुम्हें अलग घर लेके दें। अच्छा, कल तुम कोर्ट जा रही हो ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, मैं अकेले जाऊंगी। नहीं, तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ। कल कोर्ट में उसकी पेशी है। तुम्हें भी बुलाया, तुम जा रहे हो? नहीं, अभी तक तो नहीं बुलाया, लेकिन अगर कोर्ट में सलमान मेरा नाम लेगा तो फिर साहिर बुलाएंगे तो जाना पड़ेगा। तुम परेशान हो? हूं, लेकिन अपने लिए नहीं, मायरा के लिए परेशान। Do you really think वो जीत जाएगी? जीत जाएगी, कुछ वक्त लगेगा लेकिन जीत जाएगी। और अगर जीत गई उसके बाद? आपको अभी अम्मा को घर से निकालना नहीं चाहिए था। अरे यार, कैसी बातें कर रहा है, मैंने थोड़ी निकाला है। ये तो मैं सुधे में 36 दफा बोलता था कि निकलो घर से बाहर। मुझे क्या पता था इस बार सच पर चली जाएगी वो। मैं वो केस जीतना है, अब्बा हर हाल में जीतना है, वरना गड़बड़ हो जाएगी, हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। मम्मी को ऐसे घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। कल अदालत में सलमान की पेशी है। आप जाएंगे सलमान भाई के साथ अदालत? लेके जाएंगे मुझे भी। आप फिक्र नहीं, इस तरह टाइट रूम से बाहर ना करें, मैं ये करूं। पेशी हुई है, देख क्या ही जगह। मायरा, मायरा तुम ये गलत करी हो, ये सब मत करो। मायरा तुम सुलह करो, मेरे साथ घर चलो, सुलह कर लो मायरा। बात तो आ जाए, चल। मी लॉर्ड, मेरी मोकला मायरा राशिद सलमान शकील से कभी शादी करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि सलमान शकील बचपन से लेकर जवानी तक और शादी से पहले भी और शादी के बाद भी अब तक मेरी मौकला को टॉर्चर करता आया है, अब्यूज करता आया है और मारता पीटता आया है। मेरा ख्याल है कि मेरी फाजिल वकील कुछ जानती नहीं है। अपने होश हवास में समझदारी के साथ इस निकाह को कबूल किया, इसलिए केस सरासर बेबुनियाद। दैट्स ऑल सर। मायरा राशिद की बड़ी बहन मिशाल राशिद सलमान शकील के बड़े भाई अरसलान शकील के निकाह में थी और अब भी है, इसलिए एक बार फिर मेरी मौकला मायरा राशिद ने अपनी बहन का निकाह और शादी बचाने के लिए मजबूर हो गई।
दोनों फरीकैन अपने अपने बयानात कोर्ट में रिकॉर्ड करवाएं। कोई ज्यादा लंबा चौड़ा बयान नहीं रिकॉर्ड कराना चाहता। मुझसे इस रिश्ते में, इस शादी में बहुत सी गलतियां हुई हैं और मैं उन सब पे शर्मिंदा भी हूं। लेकिन मैं अपनी बीवी से सुलह करना चाहता हूं क्योंकि अब हम दोनों अकेले नहीं हैं। अल्लाह के फजल से हमारा एक प्यारा सा बेटा भी है। इस रिश्ते में मुझसे बहुत सी ज्यादतियां हुई हैं लेकिन मैंने कभी अपनी बीवी के साथ बेवफाई नहीं की। मैंने हमेशा इसी से मोहब्बत की है, बचपन से जवानी तक और शादी होने तक, बल्कि शादी होने के बाद भी किसी और की तरफ कभी नजर उठा के देखा भी नहीं। लेकिन मायरा के लिए ऐसा नहीं था। ये शादी के बाद भी अपने दोस्त आतिर से मुसलसल रابطے में थे। ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, ये मेरी मौकला पे बहुतान लगा रहे हैं। मैं बहुतान नहीं लगा रहा, भारी अदालत में अपनी बीवी की पाकबाजी की कसम खा रहा हूं। मैं जानता हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि माहिरा ने कभी आतिर को तवज्जो नहीं दी। उससे हमेशा एक दोस्त की तरह मिली, उसके ऑफिस में जॉब की। मेरी बीवी ने कभी मुझसे बेवफाई नहीं की, कभी नहीं की। लेकिन उस शख्स आतिर की वजह से जज साहिबा हमारी जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई है ना, वो उसी की वजह से हुई है। वो शख्स गाये बगाये मुझे और मेरी बीवी को परेशान करता रहा। उसी की वजह से मैंने गुस्से में गलती से एक दो बार अपनी बीवी पर हाथ उठाया और मैं इस बात पे शर्मिंदा भी हूं। लेकिन जज साहिबा, कौन से मियां बीवी हैं जो आपस में लड़ते नहीं है, जिनमें तलखी नहीं होती? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि रिश्ता खत्म कर दो, घर तोड़ दो। मुझे बहुत कुछ गलत हुआ लेकिन मैं अपनी बीवी से माफी मांगता हूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं क्योंकि मैं खुला के लिए राजी नहीं हूं। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं, अपना घर बनाना चाहता हूं, सारी जिंदगी मायरा के साथ, अपने बेटे के साथ जीना चाहता हूं मैं। और ठीक है ना।